जो सिस्टम जो उन्होंने जैसे बताया था जो कॉन्स्टिट्यूशन एस्टेब्लिश करने के बाद उन्होंने बनाया था, तो जैसे इलेक्टर्स थे तो उनमें भी अब एज आई मेंशन, तो जैसे जो लेजिस्लेचर के अंदर बेसिकली जो आते थे वो थी जो नेशनल असेंबली के मेंबर्स थे, जो करीबन 745 मेंबर्स थे, एंड वो इलेक्ट किए जाते थे बाय द इलेक्टर्स। एंड उसमें भी जो अगेन जो सिटीजन्स थे जो एलिजिबल थे वोट करने के लिए, जैसे 25 ईयर्स प्लस एंड जिनके पास उतना जो टैक्स पे करते थे, जो एक्टिव सिटीजन्स की कैटेगरी में आते थे, वो सब बेसिकली देखा जाए तो इन अवे लेजिस्लेचर के पार्ट होते थे कि वो रूल्स बनाए। और उसके बाद जो जो पैसिव सिटीजन होते थे जो वोट नहीं करते, तो ऑब्वियसली उस सेंस में सिस्टम के पार्ट वो लोग नहीं थे, जो वुमेन एंड जो मेल्स अंडर 25 ईयर्स ओल्ड या फिर जो लोग उतना टैक्सेस पे नहीं कर रहे। एंड जो एग्जीक्यूटिव के अंडर होते थे, वो एग्जीक्यूटिव में जैसे जो किंग होगा जिसका वीटो पावर था नेशनल असेंबली के ऊपर, एंड जो नोबल्स थे वो लोग सब एग्जीक्यूटिव में आते थे, एंड जुडिशियरी एक सेपरेट सेक्शन होता था। तो जो इनिशियली जो क्या हुआ, जो जैसे पहले मेंशन किया कि उसमें सब लोगों को इक्वल राइट्स नहीं दी गई थी, तो उसमें भी जैसे और लोग डिसकंटेंट ग्रो होता गया, तो वो बाद में जाकर जैसे बाद में फ्रांस ने इवेंचुअली बहुत और नए इसको और डेवलप किया सिस्टम को, एंड उन्होंने इवेंचुअली जाके जो मोनार्की अबॉलिश किया बाद में जब उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन जो और जो इसके इवेंट्स होने लग गए उसके बाद। जैसे अब क्या हो रहा था कि जो ऑब्वियसली जो ये सिस्टम ने देखा कि जो जितने नेबरिंग कंट्रीज थे जो, और सिंस उस टाइम में यूरोप में मोस्टली मोनार्की ऑब्वियसली प्रेवलेंट था, तो उन्होंने रियलाइज़ किया कि दिस कुड बी अ थ्रेट टू देयर करंट एग्जिस्टिंग सिस्टम्स एंड उनकी पावर को थ्रेटन कर सकते हैं। तो उन्होंने रियलाइज़ किया कि दे शुड हेल्प आउट दो फ्रेंच जो रूलर्स उस टाइम में जो लुई 16 था, तो लुई 16 वॉज इन टॉक्स, सीक्रेट टॉक्स विद प्रशिया एंड अदर कंट्रीज़ की वो मतलब वो आर्मी उनकी इन्वेट कर सके फ्रांस को, एंड दे मे बी टेक ओवर एंड पुट हिम बैक एज द मोनार्क बेसिकली, जिससे वो उनकी मोनार्की का सिस्टम वो मेनटेन रहे, क्योंकि दिस शुड बी वो उन्होंने कोशिश की कि वो इस सिस्टम को यू नो कंटेन कर सके, कि ऐसा सिस्टम और मतलब और नहीं रह पाए कि वो लोग कि लोग खुद मतलब अपने रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट कर रहे हैं। तो उस चीज़ को उन्होंने कर्ब करने के लिए उन्होंने कोशिश किया कि वो आर्मीज को सेंड करें, बट उससे पहले ही ऑलरेडी जो नेशनल असेंबली है उन्होंने अप्रैल 1792 में उन्होंने वॉर डिक्लेयर कर दिया अगेंस्ट प्रशिया एंड ऑस्ट्रिया। तो इवेंचुअली सिंस अब ये भी उन्हें लगा कि उन्होंने रियलाइज़ किया कि जो सिर्फ जो रेवोल्यूशन है सिर्फ वो यहीं ख़त्म नहीं होता है, उन्होंने रियलाइज़ किया कि जो ये बेसिकली जो वॉर होगा अब तो इट विल बी समथिंग ऑन द लाइंस ऑफ कि वो जो बची हुई कंट्रीज है यूरोप में वो ओवरऑल मतलब जितने किंग्स एंड जितनी मोनार्की एज अ होल सिस्टम उसके अगेंस्ट वॉर होगा। तो जो लोग थे कंट्री साइड में थाउजेंड्स ऑफ वॉलंटियर्स ज्वाइन द आर्मी एंड सब लोग बहुत ही पैट्रियोटिक फीलिंग्स के साथ थे कि वो एक रेवोल्यूशन में पार्ट ले रहे हैं एंड दे कुड चेंज पूरा सिस्टम और भी कंट्रीज़ का, कि वहाँ पे भी वो मतलब मोनार्की एज अ होल के अगेंस्ट वो स्टैंड अप कर सके। तो उन्होंने जैसे वो जो लोग थे वो जब मार्च करते हुए भी जैसे वो काफ़ी हाइम्स एंड या फिर जो सॉन्ग्स होते थे वो लोकल सॉन्ग्स होते थे वो गाया करते थे। तो जैसे उनमें से एक प्रोमिनेंट था जो मार्सेलेस करके जो काफ़ी सारे काफ़ी पॉपुलर हो गया था, जो रॉजर द आइल करके एक पोएट ने कंपोज किया था, तो वो इवेंचुअली एज ऑफ नाउ फ्रांस का नेशनल एंथम है। तो उस टाइप के जो नेशनलिस्ट जो नेशन को बॉन्ड करने वाले उस टाइप के सिंबल्स भी बाद में आने लग गए थे, एंड पीपल आर वेरी मोटिवेटेड कि वो मतलब इस जो रेवोल्यूशन है उसको कैरी फॉरवर्ड करें, एंड कि वो सिर्फ उस ऐसा नहीं था कि वो 1789 में ख़त्म हो गया, बट उनके लिए दिस वाज द कंटिन्यूएशन ऑफ द रेवोल्यूशन। अब जब सिंस वॉर में ज़्यादातर ऑब्वियसली हाउस होल्ड्स के जो जितने मेल्स चले गए थे, तो मोस्टली जितना हाउस होल्ड वर्क था या फिर जितना इकोनॉमिक वाला काम था वो सारा मतलब हाउस होल्ड संभालना या फिर इवन अगेन पूरा मतलब इवन जो अर्न करना वो सब फीमेल्स पे आने लगा था। एंड ऑल्सो इसी टाइम में सिंस एज आई मेंशन अर्लियर 1791 में लोगों ने रियलाइज़ किया था कि पूरी तरीके से सब लोग इक्वल नहीं हुए हैं, एंड फिर और डिस्कशंस होने लगा आइडियाज़ का कि लोग चाहते थे कि थोड़ा और इक्वल सिस्टम आए, कि और भी लोगों को मतलब राइट टू वोट एंड मतलब इस सिस्टम में से मिले। तो जैसे जो वो लोग उन लोगों ने क्लब्स बनाने शुरू किए जिसमें वो लोग ये सब आइडियाज़ डिस्कस करते थे, एंड उनमें से सबसे प्रोमिनेंट क्लब था द जैकोबिन क्लब, जो बेसिकली द कन्वेंट ऑफ सेंट जेकब उसके उनके ऊपर बेस्ड था। कन्वेंट बेसिकली एक प्लेस है जो मतलब थोड़ा नॉट एग्जैक्टली चर्च से रिलेटेड होती है, बट थोड़ा उसका भी रिलीजियस कनोटेशंस होते हैं। तो जैकोबिन क्लब का बेसिकली उस टाइम में लीडर मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर था, तो दे वर वेरी प्रोमिनेंट इन इसके आगे जितने भी इवेंट्स हुए उसमें उनका काफ़ी प्रोमिनेंट रोल था। एंड इवेंचुअली इसके बीच में एज आई मेंशन कि
फिर से थोड़ा क्राइसिस वाली सिचुएशन आ रही थी क्योंकि मेल्स भी गए हुए थे एंड लोग इकोनॉमिक सिचुएशन थोड़ी अनस्टेबल थी. तो इवेंचुअली ये सब चीज़ें बॉइल डाउन होकर जैसे अगस्त 10, 1972 में पैलेस ऑफ टिलरीज में बेसिकली लोगों ने वहाँ पे अटैक किया एंड जो जो नॉर्मल जो लोग थे उन लोगों ने जो पैलेस गार्ड्स को मार दिया एंड लोगों ने जो रॉयल फैमिली होती उसको एज हॉस्टेज ले लिया. मतलब उनको थ्रेटन किया एंड मतलब इट वॉज लाइक कि उनको जब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक थोड़ा मोर इक्वल सिस्टम नहीं आता है. तो फाइनली इन्होंने जाके इसके बाद इलेक्शंस हुए एंड जब इलेक्शंस हुए तो उसमें जो जैकोबिन क्लब वाले मेम्बर्स थे वो लोग जीते एंड उन्होंने जो एक कन्वेंशन करके इन्होंने थोड़ा नया फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनाया. तो कन्वेंशन में बेसिकली जो मेजर चेंज जो उन्होंने किया था जो करंट जो कॉन्स्टिट्यूशन जो 1791 में बना था कि उन्होंने एक एडिशनल जो एज थी लिमिट वो उन्होंने 21 ईयर्स कर दिया था रिगार्डलेस ऑफ जो मतलब डिपेंड इट डजेंट मैटर कि आपकी इकोनॉमिक सिचुएशन क्या है कि आपके पास प्रॉपर्टी है या आपके पास या फिर इतना टैक्स पे करते हो उसको रिगार्डलेस जितने भी मेल्स थे अबव द एज ऑफ 21 उनको उन्होंने राइट टू वोट दिया था. तो बेसिकली अब वो एक्टिव सिटीजन वाली कैटेगरी में वो इंक्लूड हो गए थे कि वो आगे जाके इलेक्टर्स एंड फ्यूचर में जाके जो नेशनल असेंबली या फिर जो कन्वेंशन उसके मेम्बर्स को इलेक्ट करने में उनको भी पावर दी गई थी. तो इसी टाइम में एज आई मेंशन की जैसे रॉयल फैमिली को हॉस्टेज लिया गया था तो बाद में जो जो 21 जनवरी 1973 में जो लुई 16 है ही वाज फाउंड गिल्टी ऑफ ट्रीजन अगेंस्ट द स्टेट बाय अ कोर्ट एंड फिर उनको एग्जीक्यूट कर दिया था एंड इवेंचुअली लेटर उनकी जो वाइफ थी मैरी एंटोनेट उनको भी एग्जीक्यूट कर दिया था फॉर मतलब फॉर ट्रेचरी अगेंस्ट द स्टेट. इसके बाद एज आई मेंशन सिंस कन्वेंशन अब पावर में आ गया था जो जैकोबिन गवर्नमेंट जिसमें जैकोबिन क्लब का आई मीन इम्पॉर्टेंट रोल था. तो एज मेंशन अर्ली जो मैक्सिमल एंड रॉबस्पियर है वो उनका लीडर था. तो इवेंचुअली ऑब्वियसली उनके अंडर बेसिकली जो 1973 और 1974 का पीरियड होता है उसको रेन ऑफ टेरर कहा जाता है. रेन ऑफ टेरर क्योंकि जो अब मैक्सिमल एंड रॉबस्पियर एज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट तो उसका मतलब मोर मतलब इन्होंने जो उसका बेसिकली बहुत ज़्यादा कंट्रोल एंड सीवियर सिस्टम ऑफ कंट्रोल एंड पनिशमेंट था कि बहुत कंट्रोल एंड मतलब ऐसा होता था कि बहुत उन्होंने ज़्यादा हार्ड सीवियर कंट्रोल की पॉलिसी फॉलो करते थे एंड अगर वो चीज़ लोग अधेयर नहीं करते थे वो काफ़ी हार्श पनिशमेंट्स भी होती थी. एंड ऑल्सो एट कमिंग बैक टू द पॉइंट जो कॉन्स्टिट्यूशन में एक और जो चेंज आया था वो ये भी था कि उस टाइम में जैसे मोनार्की अबॉलिश हो गई थी एज आई मेंशन क्योंकि उनका अब सिस्टम की जो हेरिडेटरी पोजीशन ऑफ अ मोनार्क थी उसको उन्होंने हटा दिया था आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ लुई 16 एंड उन्होंने रिपब्लिक बना दिया था. एज वी नो कि जो रिपब्लिक की डेफिनेशन होती है रिपब्लिक बेसिकली वैसा टाइप का सिस्टम है जिसमें जो लोग होते हैं वो अपने सारे जो जो लोग उन्हें गवर्न करते हैं उनको इलेक्ट करते हैं. तो ऐसा नहीं है कि इंक्लूडिंग द हेड ऑफ द स्टेट जो पहले मोनार्क होता था. तो सिंस अब वो वाला सिस्टम पूरा हट गया तो जितने भी अब जो मेम्बर्स ऑब्वियसली जो जो जिनके पास पावर्स है तो वो लोग सारे इलेक्ट हो रहे हैं. तो उसमें फ्रांस मतलब रिपब्लिक बन गया था. हाँ एंड कमिंग बैक टू द रीन ऑफ टेनर तो रीन ऑफ टेनर में जैसे मेंशन किया जो पॉलिसी ऑफ सीवियर कंट्रोल एंड पनिशमेंट जो फॉलो की थी तो उसने काफ़ी सारे और हार्श रूल्स बनाए थे. जैसे जितने भी पीजेंट्स थे जो कंट्री साइड में थे जो लोग प्रोड्यूस बनाते थे जो लोग फूड ग्रेन्स बनाते थे उनको कंपल्सरी था कि उनको अपना सारा प्रोड्यूस टाउन्स की तरफ जो अर्बन एरियाज है वहाँ पे सेटल करना था. एंड ऑल्सो उन्होंने एक सीलिंग बेसिकली विच इज़ लाइक कि उन्होंने एक लिमिट कर दिया कि प्राइस ऑफ द जो जो फूड ग्रेन्स है वो एक सर्टेन अमाउंट के आगे नहीं रेज हो सकता. तो उनका जैसे वो उन्होंने बहुत स्ट्रिक्टली उन्होंने किया. और ऑल्सो जैसे इक्वालिटी उनका आइडिया था कि जो इक्वालिटी होनी चाहिए वो सारे मतलब हर फॉर्म में होनी चाहिए. अब जैसे कंट्रास्टिंग टू द सिचुएशन बिफोर जो ये क्लब्स वाले जितने थे जो जो पावर में आए थे तो इवन आफ्टर जो कॉन्स्टिट्यूशन के बाद एज आई मेंशन की जो सेकेंड एस्टेट था वो भी एग्जिस्ट वैसे तो कर ही रहा था. जो नोबल्स थे दे वर अ पार्ट ऑफ द एग्जीक्यूटिव. तो जो जितने भी ये लोग थे तो वो लोग जैसे नी ब्रीचेस पहनते थे विच वर अ सिंबल ऑफ यू नो हाई फैशन एंड हाई क्लास. तो जो अब उसके अगेंस्ट जो उल्टा जो जैकोबिन क्लब वाले मेम्बर्स थे दे वर स्पेसिफिकली नोन फॉर कि वो उस टाइम के नी ब्रीचेस नहीं पहनते थे एंड जो डॉक वर्कर्स दैट इज़ जो लोग मतलब जो शिप्स उसमें काम करते थे वो लोग लॉन्ग स्ट्राइप्ड ट्राउजर्स उस टाइप का पहनते थे. तो उस टाइप की क्लोथिंग वो लोग फॉलो करते थे जिनको सांस कोलोट्स कहते थे बेसिकली विदाउट नी ब्रीचेस इन फ्रेंच.
मतलब सिंस उनका क्लब का हमेशा से वैसा मोटिव रहा था कि टू मेक श्योर कि ऐसा कोई चीज़ ना हो कि जो हाई क्लास एंड लो क्लास को डिफ्रेंशिएट करती है, तो उसी टाइप के स्टेप्स भी रॉबेस्पियर ने इंप्लीमेंट किए थे रीन ऑफ टेरर के दौरान. जैसे एक था कि टू रेफर ऑल द सिटीजन इंस्टेड ऑफ सर मैडम, जो फ्रेंच फ्रेंच में रेफर किया जाता है मदाम मदामोजेल, ये सब उसके बदले रेफरेंस सिंपली एज सितियोन और सितियोनेट. बेसिकली वो चीज़ था कि सिटीजन्स बेसिकली एक दूसरे को रेफर करने के लिए. एंड ऑल्सो ये भी था कि जो ब्रेड होता है, अब इनिशियली जो पहले जो वाइट ब्रेड होता था वो जो रिचर होते रिचर क्लास होते थे वो लोग कंज्यूम करते थे, बट उसने वाइट ब्रेड का प्रोड्यूस का एबॉलिश करके बैन करके उसने मेक श्योर किया कि जो जितने सब लोग हैं वो इक्वालिटी ब्रेड वो खाए, विच इज़ बेसिकली जो होल व्हीट का बना हुआ जो ब्राउन ब्रेड का लोफ होता था, लोग वो चीज़ें खाएं इंस्टेड ऑफ कि उसमें भी फूड में भी डिफ्रेंशिएट हो रहा है कि कोई रिच है या पुअर है. ऑल्सो डिस्पाइट ऑल दीज मेजर्स, जो रॉबेस्पियर था वो उसके जितने भी कोई उसको सिंस एज आई मेंशन कि वो बहुत सीवियर कंट्रोल एंड सीवियर पनिशमेंट वाला सिस्टम था, तो उसके भी जितने भी लोग जो उसको उसके अपोजिट जिसके जो राइवल्स थे या फिर इवन वो लोग जिसके पार्टी में उसके ऐसे हार्श में थे उसको अप्रूव नहीं करते थे, तो उसको वो एज एन एनिमी ऑफ स्टेट कंसिडर करता था. एंड ही यूज टू उसका एक अलग से उनको उनका एक सेपरेट स्पेशल ट्रायल होकर और उनको इजीली वो एक्यूज़ करके एंड फिर वो मतलब गिल्टी फाइंड आउट करके वो उनको सबको एग्जीक्यूट करवा देता था लाइक बेसिकली गिलिटिन के थ्रू. गिलिटिन बेसिकली एक डिवाइस है जिस जो डॉक्टर गिलिटिन ने बनाई थी. वो बेसिकली उसमें एक सिंगल ब्लेड होता है जो विक्टिम होता है उसको मतलब सिंपली प्लेस किया जाता है एंड वो जब ब्लेड सीधा स्विंग करती है तो बेसिकली एग्जीक्यूशन उसी तरीके से टेक प्लेस होता है. तो उस तरीके से वो अपने जितने भी जो लोग हैं जो उसके जो उसके पोजिशन थे वो उसको उस तरीके से डिस्पोज करता था. तो ऑब्वियसली आफ्टर इतना सीवियर पॉलिसीज एंड इन सबको देखने के बाद काफ़ी सारा इसके पार्टी के भी लोगों ने इवेंचुअली ही गॉट मतलब 1974 में उसको खुद मतलब ट्रायल में डाला गया था एंड ही वॉज फाउंड गिल्टी एंड उसको हिमसेल्फ ही वॉज गिलिटेंट. इसके बाद अब आफ्टर द एंड ऑफ जो जो जैकोबिन क्लब की जो पावर्स थी, तो उसके बाद फिर अब दिस गेव एन अपॉर्चुनिटी जो अब जो रिचर मिडिल क्लास है देम टू सीज पावर. तो अब वो लोग जब आए तो उन्होंने थोड़ा डिफरेंट उन्होंने फिर से चेंज कर दिया कॉन्स्टिट्यूशन को. एंड उनका मेजर जो चेंज था वो था कि उन्होंने जैसे फ्रॉम पीपल जिन जो जो टैक्स नहीं पे करते जो टैक्स ज़्यादा पे करते थे उनको पहले मिलता था, फिर उसके बाद अब जैसे जैकोबिन वाले एरा में जो लोग जिन जो ऑल द मेल्स अबव द एज ऑफ 21 कुड वोट, तो अब इन्होंने जो क्या किया कि उन्होंने अब उन्होंने 21 एज वाला बैरियर तो सेम रखा, बट उन्होंने जैसे मेड श्योर कि जो प्रॉपर्टीड मैन है मतलब जिनके पास अपनी प्रॉपर्टी है ओनली दे हैव द पावर कि वो वोट कर सकते हैं. तो उन्होंने फिर से अगेन उस सफरेज को लिमिट कर दिया था, सफरेज एज इन द राइट टू वोट, तो उसको लिमिट कर दिया था. एंड ऑब्वियसली वुमेन को भी फिर से अगेन वोटिंग का इसमें भी नहीं दिया गया था ऑप्शन. तो इन्होंने जो नया कॉन्सेप्ट जो बनाया था वो था डायरेक्टरी का. अब इन्होंने क्या किया कि अगेन जो उन्होंने इसको सिस्टम को थोड़ा और बना के उन्होंने डिसाइड किया कि पहले एज वी नो की जो जो पावर्स थी एग्जीक्यूटिव की वो सिर्फ एक सिंगल पर्सन पे कंसनट्रेट की गई थी विच वॉज रॉबेस्पियर एंड विच लेड टू डिजास्ट्रस रिजल्ट. तो उन्होंने डिसाइड किया कि उन्होंने थोड़ा पावर स्प्लिट करने के लिए इंस्टेड ऑफ कंसनट्रेटेड इन टू वन पर्सन उन्होंने एक इलेक्टेड एग्जीक्यूटिव बनाने की कोशिश की विच वॉज कॉल्ड द डायरेक्टरी. तो इसके थ्रू बेसिकली थोड़ा पावर डिस्ट्रीब्यूशन होगा कि डोंट बी कंसनट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ वन पर्सन कि उसको मिस यूज़ करे उस तरीके से. तो उन्होंने ये बनाया, बट इसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट ये ड्रॉबैक हो गया था इस एग्जीक्यूटिव एंड जो लेजिस्लेचर थे दे यूज़ टू क्लैश अलॉट इन देयर ओपिनियंस क्योंकि दोनों के पॉलिसी के आइडियाज़ एंड वो सब काफ़ी डिफरेंट थे, तो उनमें ही बहुत अनस्टेबिलिटी क्रिएट हो गई थी गवर्नमेंट में. एंड सिंस सिंस ये क्लैशेस होते रहते थे तो पीपल गॉट ऑल्सो डिसल्यूजन एंड दिस इवेंचुअली पेव द वे कि बाद में जो एक एब्सोल्यूट बेसिकली जो डिक्टेटर के लिए रास्ता बना विच वॉज नेपोलियन बोनापार्ट.